हेलो दोस्तों, के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा 9 में ट्राई विथ रिसोर्स इन्हांसमेंट के बारे में। ट्राई विथ रिसोर्स बेसिकली फीचर जावा 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? लेकिन जावा 9 में उसमें कुछ कमी था जिसको इन्हांस किया गया जावा 9 में, राइट? तो हम इसे प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं गाइस। जैसा कि जानते हो कि जावा में बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? तो ऐसे रिसोर्सेज को आपको क्या करना है कि जावा 7 ऑनवर्ड्स ट्राई विथ रिसोर्सेज यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, राइट? वंस यूजिंग ऑफ दैट दोज रिसोर्सेज इज डन, देन JVM विल कॉल ऑटोमेटिक, JVM विल क्लोज दोज रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली, राइट? जावा यदि ट्राई विथ रिसोर्सेज फीचर आप यूज करोगे तो, यदि ट्राई विथ रिसोर्सेज फीचर नहीं यूज करते हो तो आपको उन रिसोर्सेज के, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन लेते हो, फाइल ओपन करते हो, तो इसको फिर से क्लोज करना होता है ओपन करने के बाद। तो आपको ट्राई विथ रिसोर्सेज नहीं यूज करते हो तो आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो हम ये समझते हैं कि जावा 7 में हम इसे कैसे कोडिंग कर, जावा 7 से पहले कैसे कोडिंग करते थे, उसके बाद जावा 7 में जब ट्राई विथ रिसोर्सेज आया तो कैसे कोडिंग होता है, उसके बाद जावा 9 में क्या इन्हांसमेंट हुआ वो हम देखेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ मैं सिनारियो ले रहा हूँ, मेरे पास एक फाइल है test.txt जो प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में है। अब मुझे इस फाइल के कंटेंट को रीड करना है। तो जैसा कि जानते हो कि जावा में आप देर आर वेरियस वेज टू अचीव दिस वन, राइट? लेकिन वन ऑफ द वे आई एम गोइंग टू यूज यूजिंग स्कैनर क्लास, राइट? आई एम गोइंग टू यूज स्कैनर क्लास विच बिलोंग्स टू द जावा डॉट पैकेज। स्कैनर से आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हो, फाइल सिस्टम से ले सकते हो, राइट? तो स्कैनर क्लास में आप देखोगे तो स्कैनर क्लास क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। क्लोजेबल इंटरफेस अल्टीमेटली एक्सटेंड ऑटो क्लोजेबल, और ऑटो क्लोजेबल में देखोगे आप क्लोज मेथड, राइट? तो आप जब स्कैनर क्लास यूज करते हो तो आपको इस रिसोर्स को यूज हो जाने के बाद स्कैनर को आपको क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो मैं सबसे पहले स्कैनर को यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, फिर मैं ट्राई ब्लॉक यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, ट्राई, एंड विद इन दिस ट्राई आई एम गोइंग टू यूज दिस स्कैनर, राइट? ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट? स्कैनर क्लास मुझे इनिशियलाइज करना है यहाँ पे, तो स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर। सो स्कैनर क्लास इज हैविंग लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टर, राइट? वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर आई एम गोइंग टू यूज दैट इज इन विच एक्सेप्ट इनपुट स्ट्रीम, राइट? तो यहाँ इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस पास करना है, तो इनपुट स्ट्रीम का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट? सो आई एम गोइंग टू क्रिएट इनपुट स्ट्रीम रेफरेंस ओवर हियर। आई विल इनिशियलाइज विद लेट्स से नल, एंड नाउ आई नीड टू इंस्टेंशिएट दिस गाय। गाइस, ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यू नीड टू फाइंड द कंक्रीट क्लास विच बेसिकली एक्सटेंड दिस क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके रेफरेंस को आपको असाइन करना होगा। तो वन ऑफ द कंक्रीट क्लास विच बेसिकली एक्सटेंड दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनपुट स्ट्रीम इज कॉल्ड फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो आपको इनपुट इक्वल्स टू लिखना है न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, राइट? और इसके भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है। आई एम गोइंग टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर विच बेसिकली टेक्स फाइल नेम डायरेक्टली, राइट? मेक श्योर दैट योर फाइल इज इन प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। तो मेरे पास test.txt रूट डायरेक्टरी में है, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, राइट? नाउ दिस इनपुट स्ट्रीम आई नीड टू पास टू दिस स्कैनर, राइट? सो दैट्स द ट्रेडिशनल वे वी यूज टू कोड प्रायर टू जावा 7। नाउ वी हैव ए स्कैनर, नाउ आई एम गोइंग टू यूज व्हाइल लूप। इन व्हाइल लूप आई विल यूज रेफरेंस ऑफ स्कैनर, ओके, स्कैनर, एंड दिस इज हैविंग हैज नेक्स्ट लाइन, राइट? दिस इज गोइंग टू रिटर्न बुलियन वैल्यू, राइट? तो ये बुलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पहला लाइन रीड करेगा, पहला लाइन में कंटेंट मिला ट्रू रिटर्न किया, दूसरा लाइन में कंटेंट आया तो ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद कंटेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? सो एज लाइक एज कंटेंट इज इन योर फाइल इट विल रिटर्न ट्रू। अब मैं इसे हर एक लाइन को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ। सो आई विल यूज अगेन स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट? लाइन बाई लाइन प्रिंट करेगा, वी आर नॉट रीडिंग कैरेक्टर बाई कैरेक्टर बट लाइन बाई लाइन। नाउ एज वी आर यूजिंग दिस टू रिसोर्सेज, स्कैनर एज इनपुट स्ट्रीम, दिस टू रिसोर्स वी हैव टू क्लोज इन आर फाइनली ब्लॉक। सो वी नीड टू राइट अ फाइनली ब्लॉक, राइट? एंड हियर वी हैव टू चेक इफ स्कैनर नॉट इक्वल टू नल, राइट? टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दैट यू हैव टू क्लोज इट।
सो वी आर कॉलिंग क्लोज मेथड एक्सप्लिसिटली. सिमिलरली वी नीड टू को कॉल क्लोज मेथड ऑन इनपुट स्ट्रीम, राइट. सो आई वुड से इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम नॉट इक्वल टू नल, देन यू हैव टू क्लोज दिस गाय एज वेल, राइट. सॉरी गाइस, इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज. And let me run this program. It should work perfectly fine. Okay, there is some compilation error. Why show? Okay, this guy is throwing some exception. So either you have to declare this exception or you have to surround with try catch. So just I'm going to declare this exception, IO exception, right? Now if I run this program, then it should run perfectly fine, right? So this is the way basically we used to code prior to Java 7. But in Java 7 came up with the one new feature, is called try with resources. Try with resources, what said, hey, you don't need to really call this close method on resources. Instead, what you can do, you can use our new feature introduced in Java 7, and that is nothing but the try with resources. So how try with resources basically works, let me show you. So here, sorry guys, so here how try with resources works, let me show you. So Java 7 says just declare your resources, these resources, whatever resources you are using, you want that should be closed automatically. Just put a parenthesis beside to try and declare a resources over here. Of course you can declare more than one resources. On every resources should be separated with the comma. Why this guy is showing error? Let me check out. So now remove this code. So what is saying? Duplicate local variable. Okay, we don't require this declaration now. Okay. Of course, you declare whatever resources you declare over here, that should be accessible. That will be accessible within this try. Now that's from Java 7 we used to write code like this, right? Now once you declare these resources beside this try, then usage of these resources is done, then JVM automatically call the close method, right? You don't need to think about those things, closing the resources. And now there is some compilation, let me check out. I think there is some bracket mismatch or something like that. No, okay, there was one bracket was missing, parenthesis were missing. Now if I run that, it is working perfectly fine, guys, right? So that's how we started coding from Java 7. But thing is that there was some, I would not say, there was some enhancement done in the Java 9 with respect to try with resources. Now Java 9 says, hey, you don't need to really declare these resources beside to this try. Instead, what you can do, you can declare these resources outside of the try, something like this. And a reference only you can pass it over here. You have to pass it the reference over here, right? So reference and semicolon and scanner, right? So this code, this kind of code, this kind of basically resource which is separated with the comma and declaration you are instantiation you are doing outside of the try, it is only going to work from Java 9 and higher version, right? So if you have installed Java 9 or higher version, then this is going to work, right? So even if you try to basically code something like this in Java 8, it is not going to work. Let me show you. So if I go to the project and go to the properties, and here if I change the compiler version, right now it is 1.8 compiler version, I am selecting 1.8, then it is showing compilation error in this line. But if I change the compiler version as 9, it will work perfectly fine. So I'm going to choose again 9, apply, yes, and now you can see compilation error has gone and it will work perfectly fine. So this was the enhancement done in Java 9, right? So you can see the output over here. So guys, this was the enhancement. Java 7, what happened? In Java 7, this feature was added. This declaration in Java 7, you have to do over here only. But Java 9 says, hey, instantiation of these resources you can do outside of the try, and reference you can pass it over here. And every reference should be separated with the semicolon, right? So that's all I wanted to show in this video tutorial, guys. So, aasha hai video aapko samajh mein aa gaya hoga. Aur yadi video
पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।